The ALIT exam is very near and after the CLAT exam people are very worried about ALIT. कुछ लोग जिनका exam शायद CLAT का अच्छा नहीं हुआ है, everyone has been asking for ALIT strategy. So here I am with this video. Hi guys, I am Ayushi, your mentor for law entrance exams and welcome to Law Digest. Now ALIT को अगर देखें, ALIT NLU Delhi का examination है, obviously you all must be aware of it. अब ये एग्जामिनेशन ऑब्वियसली बहुत प्रेस्टिजियस है बिकॉज NLU दिल्ली बहुत अच्छा कॉलेज है. तो अगर आपका क्लैट में स्कोर अच्छा नहीं बैठ रहा है, इश्यूज हैं आपके क्लैट के पेपर में, तो ELIT एक और आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. नाउ फॉर द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड से इज कि अगर आपका क्लैट का एग्जाम सही नहीं गया है, कुछ इश्यूज हैं, प्लीज़ फॉरगेट इट. ELIT पे फोकस कीजिए. नेक्स्ट जो आपके फ्यू डेज हैं, जस्ट फोकस ऑन ELIT. ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि पूरी आप प्रेपरेशन 3-4 दिन में कर डाले, कुछ मैजिक हो जाएगा. इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. एंड इफ़ यू बिंग सजेस्टेड अदरवाइज कि आप 7 दिन में प्रिपेयर करें या 5 दिन में प्रिपेयर करें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. वी आर टॉकिंग अबाउट रिविजन हेयर. वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैटेजी दैट यू शुड आइडियली अडॉप्ट फॉर दीज 3-4 डेज और 7-8 डेज, वट एवर. नाउ अगर हम बात करते हैं कमिंग डेज की, जैसा एज आई सेड, फॉरगेट क्लैट, फॉरगेट योर स्कोर इन क्लैट, जस्ट बी कंसर्न विद द प्रेजेंट एग्जाम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. ELIT का अगर आप पैटर्न देखेंगे, इस साल पैटर्न चेंज हुआ है. जब से एग्जामिनेशन हुआ है पैटर्न कुछ और रहा है. देर हैज़ बीन अ डिफरेंट पैटर्न एंड नाउ इट हैज़ बीन चेंज. ऑल्दो द सब्जेक्ट्स आर द सेम, जस्ट दैट द मार्किंग स्कीम हैज़ बीन चेंज और हेयर एंड देयर थोड़े से चेंजेस हुए हैं. हमारा इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, इंग्लिश 50 मार्क्स का यहाँ पर आएगा. देन GK करंट अफेयर्स हमारा टोटल 30 मार्क्स का है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव लॉजिकल रीजनिंग. नाउ स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, बिलीव मी. आप 3-4 दिन में, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ यू नो वंडर्स हो जाएंगे और आप इंग्लिश में बहुत अच्छा कुछ प्रैक्टिस वो कुछ पढ़ लोगे, उससे कुछ बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा. इंग्लिश is about practice. What you will do is that you will revise past year question papers. उसमें जो past year papers उठा लीजिए past 10 years के and keep solving the questions therein. Just keep solving the questions therein and use it for your practice. उससे आपको आइडिया भी रहेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस ELIT में आपके एक्सपेक्टेड हैं. योर मेंटल फ्रेम विल बी रेडी फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी होगी. सो प्रैक्टिस फॉर इंग्लिश, पढ़ाई जो करनी है नेक्स्ट फ्यू डेज में, नेक्स्ट जो हमारे पास जितना भी टाइम है 3-4 दिन का, अब उसमें क्या पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स बिकॉज इट्स फैक्चुअल, इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी कीप रिवाइजिंग. बार बार पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए हम करंट अफेयर्स को, फैक्ट्स को अपने को रिवाइज करेंगे. करंट अफेयर्स जहाँ से भी आपने अपने नोट्स बनाए हैं, जो भी किया है, उसको रिवाइज कीजिए. एंड लीगल करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए. लीगल करंट अफेयर्स के स्पेसिफिकली आई हैव अ प्लेलिस्ट on my channel. I have uploaded a lot of important videos that are required for legal current. So go through them. चाहे आप speed enhance करके, speed बढ़ा के, just go through those videos. You'll get a lot of information from there if you don't have the time to revise too much. वहाँ पर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी. वहाँ से लीगल करंट अफेयर्स में आपको इम्पॉर्टेंट सारे केस लॉस पता लग जाएंगे. इनफैक्ट मैंने रिसेंटली ही 2 वीडियोस ऑलरेडी डाली थी ऑन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर दिस ईयर. आई हैव कवर्ड सर्टेन टॉपिक्स, थोड़ा मैंने उन टॉपिक्स के बारे में आपको उन वीडियोस में भी बताया है. गो थ्रू दोज वीडियोस, दोज 2 वीडियोस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी भी हायर. बिकॉज जब हम ELIT की बात करते हैं, अगर आप पास्ट ईयर पैटर्न देखोगे, स्टैटिक GK नहीं, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. 2:1 का रेशियो रहता है. तो अगर हम 30 मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो 20 आपका करंट अफेयर्स लगा लीजिए, 10 स्टैटिक लगा लीजिए. स्टैटिक में भी हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये एरियाज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. कॉन्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस करनी है. PYQs एक सीरीज है, PYQs ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, वो यू कैन वॉच दैट. देन कमिंग ऑन टू लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग हमारा 70 मार्क्स का आएगा. उसमें लॉजिकल रीजनिंग में इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपको एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग एंड लीगल रीजनिंग, ऑल ऑफ दैट विल बी इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. एक सेक्शन बना दिया गया है. पहले लीगल अलग से था, मैथ्स अलग से था. मैथ्स इज एक्सपेक्टेड कि वो नहीं आएगा बिकॉज मैथ्स बिल्कुल हटा दिया गया है. एंड
ये बोला गया है कि लीगल रीजनिंग आपका लॉजिकल रीजनिंग का ही पार्ट बनेगा. नाउ लीगल रीजनिंग में हमारे आते हैं फैक्ट प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस. द ट्रिक टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इज सिंपली दैट यू हैव टू स्टिक विद द प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स. डू नॉट अज्यूम एनीथिंग, डू नॉट यूज योर एनी प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ, एंड डू नॉट यू नो एड टू द फैक्ट्स, जस्ट स्टिक टू द क्वेश्चन. मेरी सेपरेट वीडियो है, इंडिविजुअल वीडियो ऑन हाउ टू सॉल्व लीगल रीजनिंग क्वेश्चन, हाउ टू टैकल लीगल रीजनिंग क्वेश्चन. वॉच दैट वीडियो, दैट वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है विद एग्जाम्पल कि कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है. इफ यू गेट द हैंग ऑफ दैट स्मॉल ट्रिक, देन बिलीव मी योर क्वेश्चन विल नॉट गो रॉन्ग. इट इज नॉट दैट टफ, इट इज वेरी वेरी लॉजिकल बिकॉज इट इज गोइंग टू चेक योर रीजनिंग एबिलिटी. एंड बहुत टफ नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है. सो इन द कमिंग डेज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट एक तो वो लीगल रीजनिंग वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए सो दैट यू हैव एन आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. एंड करंट अफेयर्स के लिए जो मेरी करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स, ये दोनों जो प्लेलिस्ट हैं इनके कॉन्टेंट्स में देख लीजिए, चाहे आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के या कैसे देखे. बट आई वुड से दैट थोड़ा वहाँ पे मैंने जो फैक्ट्स दे रखे हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज इट. ये आपको तैयारी रखनी है अपने आने वाले टाइम में. लॉजिकल रीजनिंग की अगर बात करें, एनालिटिकल क्रिटिकल रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी आप पास्ट ईयर से जैसे इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे उसी तरह से ये क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कीजिए. देयर इज नो पॉइंट पिकिंग अप अ न्यू बुक, ट्राइंग समथिंग एल्स. जो अभी टाइम है इट इज़ नॉट द टाइम वेर इन यू कैन लर्न न्यू थिंग्स. सो डू द एग्जिस्टिंग थिंग्स, जो आपको आता है, जो आपने पढ़ा है, जो आपका स्ट्रेंथ एरिया बन गया है, इन सब चीज़ों पे फोकस कीजिए. करंट अफेयर्स क्योंकि फैक्चुअल है उस पे रिविजन ज़रूर करना, उस पे फोकस ज़रूर करना आप. तो ये सारी चीज़ें कीजिए रादर देन गेटिंग इनटू एनीथिंग न्यू. मॉक टेस्ट हैं कहीं पे, टेस्ट्स दीजिए, पीवाईक्यूज आप सॉल्व करेंगे ही. ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इन द नेक्स्ट फ्यू डेज. एंड एज आई सेड, फॉरगेट क्लैट. दिस इज़ अनदर गुड अपॉर्चुनिटी दैट इज़ देयर फॉर यू, एंड ट्राई योर बेस्ट फॉर इट. अटेम्प्ट्स को देखिएगा कि आप मैनेज करके चले, बिकॉज कट ऑफ की अगर बात करें, लास्ट ईयर कट ऑफ वॉज अबाउट 100, एंड सो दिस ईयर ऑल्सो वी कैन एक्सपेक्ट द कट ऑफ टू बी अराउंड द सेम ओनली. इनफैक्ट अगर आप 2020 की बात करें, कट ऑफ वॉज 72 से 100 आ गया अगले साल. एंड पहले 70s में ही कट ऑफ रहता था, 72 to 75 ऐसे ही कट ऑफ रहता था. लास्ट ईयर इट केम अप टू 100. सो दिस ईयर लेट्स सी, वी आर होपिंग कि वो 100 के आसपास ही रहेगा बिकॉज सेम काइंड ऑफ सेक्शंस विल बी देयर. तो फोकस ऑन द फैक्ट दैट यू इट्स दिस पेपर हैज़ नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो. सो ट्राई कि आपके गलत ना हो, एक्यूरेसी मेंटेन रखें. एक्यूरेसी मेंटेन करने के साथ साथ अटेम्प्ट्स भी इस तरह से देख लीजिए दैट यू आर एबल टू स्कोर अबाउट 100 मार्क्स, एंड दैट इज़ वॉट योर टारगेट शुड बी. इस बात पर फोकस कीजिए फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज. एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. अगर कोई अभी भी आपके दिमाग में डाउट है, क्वेरी है, उसको आप कॉमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं. एंड ऑल्सो कीप फॉलोइंग आर चैनल. हम बहुत सारा आपको लीगल कॉन्टेंट प्रोवाइड करते हैं, बीट योर एग्जाम्स, बीट योर करियर, बीट लीगल करंट अफेयर्स. सो इन ऑर्डर टू स्टे अपडेटेड विद द लीगल नो हाउ, कीप फॉलोइंग अस हियर, सब्सक्राइब टू आर चैनल, एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम वेयर वी कीप पोस्टिंग इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स. रादर आई वुड से इंस्टाग्राम भी एक बार स्क्रोल डाउन कर लीजिएगा एग्जाम से पहले. जो इस साल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं उनके बारे में भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी बिकॉज वी कीप कवरिंग थिंग्स एज एंड व्हेन दे कम अप. सो फोकस ऑन दैट एज वेल. जैसे रिसेंटली ही हाईकोर्ट, 5 हाईकोर्ट के न्यू जजेस आए हैं जो हमने आज ही पोस्ट करा है. सो थिंग्स लाइक दीज, कीप फॉलोइंग अस देयर ताकि आपका प्रेपरेशन ठीक से होता रहे.